कंगना राणौत के साथ है या संजय राउत के साथ है? आभा सिंह, एक तो पहली बात होनी चाहिए, अगर जब समय दे रहे हैं आभा आधे जी घंटे बाद माफी तो चाहता हूं पांच ना, मिनट या 3 मिनट कोई दे बात नहीं। नहीं दीजिएगा। नहीं बिल्कुल, और आप पहला बोलिए। सवाल, मैं इतनी देर से सबको सुन रही थी, मैं संबित पात्रा से एक सवाल पूछूंगी। कंगना रनौत से इतना प्यार और रिया चक्रवर्ती पे इतना अत्याचार, अगर बेटियों का इतना ख्याल था तो ईडी सीबीआई बिहार पुलिस सब भेज दी रिया चक्रवर्ती पे, उसको एक व्हाट्सएप चैट पे आपने जेल भेज दिया, और कंगना रनौत को एक ट्विटर पे आपने वाई सिक्योरिटी दे दी, टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। चलिए वो भी बात सही कर दी आपने। ये और बहुत उसके सारे बाद अगर लाठी आप लगाई कहते हैं हुई है इसकी यार। साइड लो कि उसकी साइड लो, बात होगी न्याय की, जस्टिस की। बीएमसी ने गलत किया, नोटिस दी थी तो उसका समय लेके उनको समय दे देते रिप्लाई का, क्योंकि रूल ऑफ लॉ में उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी। अगर रेगुलराइज होता रेगुलराइज कर देते, ठीक, बिल्कुल बीएमसी ने जल्दबाजी की। ओके, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो अत्याचार हुआ, संबित पात्रा उसको भी देखे, अगर देश की बेटियों के लिए इतना प्यार है, अगर होम मिनिस्टर उनके गॉडफादर है कंगना रनौत के, तो रिया चक्रवर्ती को भी एक गॉडफादर बीजेपी सरकार दे दे। ठीक है। रागनी गांधी, बराबर है, रागनी गांधी, बराबर है रागनी जी। गांधी, आप संजय राउत के जी साथ सर, हैं कि कंगना रनौत के साथ हैं? विवेक जी आ रहा हूं उसके बाद आपके जी मैं पास। कंगना रनौत के कतई साथ नहीं हूँ, और जी मैं यहाँ पर कंगना रनौत का पूरी तरह से विरोध करना चाहूंगी। और स्पेशली जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को संदेश देना चाहूंगी कि जो हम कंपेयर कर रहे हैं, एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इसको, कि हाँ कंगना रनौत को रानी लक्ष्मीबाई से कंपेयर किया जा रहा है, हाँ जबकि आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि रियल लाइफ में रानी लक्ष्मीबाई होना और पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ रानी लक्ष्मीबाई एक पति पावन स्त्री थी, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था, ठीक अपना है, सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। और एक कंगना रनौत जो कि अंग प्रदर्शन करती है, गौ माता का मांस खाती है, अंट शंट अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, इसे तो महिला कहलाने का भी हक नहीं है। हम अच्छा इसे किस क्या हक क्या से जो बोल है रहे हैं रानी सब लक्ष्मीबाई जी से भाई। कंपेयर कर रहे हैं इन्हें, और अगर हम इसे कंपेयर करते भी हैं तो ये वीर शिरोमणि रानी लक्ष्मीबाई जी की सरासर अवमानना होगी। ठीक मैं है, 4 लाइनें जरा प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर अच्छा आप आपको भी याद कविता हो तो, लिख के लाइए सुमित्रा संबित कुमारी की तरह, चौहान जी की सुनाइए कविता। फटाफट। जी जी बिल्कुल लिखकर लाई हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए लिखकर ना, लाई हूँ। सुनाइए सिंहासन सुनाइए। हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रक्टी तानी थी, ओहो, बूढ़े भारत में भर गई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, फिरंगियों को दूर करने की सबने ठानी थी, और सन 57 में जो चमकी वो तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हरवोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बहुत बढ़िया वो तो आपने ये झांसी वाली कविता रानी याद थी। दिलाई, और कविता इसे बहुत कतई राजनीतिक रंग, बहुत बढ़िया। रागनी जी खूब कतई लड़ी राजनीतिक मर्दानी, वो रंग ना झांसी दिया वाली जाए, रानी थी, कतई लेकिन रंग विवेक जी। अग्निहोत्री आप लेकिन लोग ये तो, झांसी वाली रानी नहीं हाँ है, हाँ कंगना बिल्कुल रनौत को ये बिल्कुल झांसी बिल्कुल, वाली आबा रानी जी झांसी आबा जी वाली आबा रानी जी, नहीं विवेक है। जी के पास जा रहा हूँ। विवेक जी, बीजेपी के लिए ये झांसी झांसी वाली वाली रानी को याद रानी, कर रहे शी मे हैं बी द स्पोक्स पर्सन फॉर और वहां बीजेपी लोग मनाली रानी वाली वाली रानी कह रहे रानी हैं। विवेक अग्निहोत्री बोलिए अपनी बात। ये कतई झांसी ठीक वाली है रानी नहीं ठीक, है, और ओके, इसको अब केवल विवेक और जी को केवल सुनते हैं ना राजनीतिक रंग दिया जा रहा रागनी है। जी, पूरी कविता सुन ली आपकी, अब तो विवेक जी को सुनते हैं। विवेक जी बोलिए। अरे रोहित जी जी हम सर भी आए। आ रहा हूं, किशोर जी बोलिए। विवेक जी, विवेक अग्निहोत्री आवाज आ रही मेरी? जब तक आवाज आए हम भी है। हाँ बोलिए ना किशोर जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? सारा तो जवाबदेही आपकी ही अरे है, देखिए, आप तो मजा ले रहे हैं केवल सबके बीच में बैठ के, जबकि होनी चाहिए बहुत जवाबदेही आपकी, भारी है। सरकार आप चला रहे हैं, अरे एफआईआर मैं आप करा रहे बोलूं, हैं। हाँ बोलिए ना। अरे क्या है, ब्रिजभुवन सिंह ने बोल दिया है हाँ और आभा जी ने भी बोला है। देखिए दीपिका पादुकोण से जब पर्दा हुआ तो बीजेपी चुप बैठी थी, पानीपत पे जब बंदी आई जो कि हमारे मराठी मानुष ने बनाया था, तब ये तो चुप बैठे थे। अब ये कंगना रनौत में कूद जा रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव है, और कथा आ जाता है या खूब मेनन आ जाता है, और ये जो विवेक आ रहे हैं ना, ये सरकार ठीक पर है, बड़े बड़े आरोप लगाती है।